It would be my first Olympics. It is the biggest tournament for anyone. But still, I'll take that as in any other tournament so that I'll play my game comfortably. दस अगस्त 1992 हैदराबाद। एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत माधवी लता और दीक्षित तुलु शेषाद्री के घर में एक लड़का पैदा हुआ। बचपन में प्रणीत बैडमिंटन एकेडमी जाने के लिए रोज 18 किलोमीटर का सफर करते, वहां 4 घंटे ट्रेनिंग लेते और फिर स्कूल भी जाना होता था। Obviously, starting coaching, I think, made a lot of difference in all of our lives. This academy had so many facilities at that point of time where everything is needed to become a top player. Sai is somebody who's always been known as somebody who's talented. Not only from his hand in terms of wrist and stroke play, but also his understanding of the sport has been very good. गोपीचंद जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रणीत की गेम में काफी तेजी से सुधार हुआ। 2013 में गोल्ड मेडलिस्ट इंडोनेशिया के तौफीक हिदायत को उनके फेयरवेल मैच में 15-21, 21-12, 21-17 से हराते हुए बैडमिंटन की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन विजय प्राप्त करने से मुश्किल होता है उसे बरकरार रखना। 2014 के अंत में साई प्रणीत को पैरों में अंदरूनी चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें महीनों तक बैडमिंटन से दूर रहना पड़ा। कुछ ही महीनों में एक घायल शेर की तरह वापस अपने अपोनेंट्स पर शॉट्स की बौछार करते हुए इस शटलर ने जोरदार कमबैक किया। 2016 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज प्रीमियर में साई ने 3 बार ओलंपिक सिल्वर विजेता ली चोंग वी को पहले ही राउंड में हरा कर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। I have beaten Lee Chong Wei, then I got some confidence, I won my first GP, I won Super Series, GP Gold. From then I was like, okay, back on track. 2019 में प्रणीत ने जब BWF World Championship में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो प्रकाश पादुकोण के बाद 36 साल के अंतराल पर भारत को इस टूर्नामेंट में विनर लिस्ट में आने का मौका मिला। आज विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर कायम साई प्रणीत अपनी जबरदस्त फॉर्म को इसी तरह बनाए रखते हुए तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने की। So I'm working on my fitness and as much as I can I'm doing my rehab. With the kind of push he had or the motivation he had from the previous medal, I'm sure he's ready to perform at the highest level. Tops, association, BI, everybody is really helping. They are really supportive and giving whatever we wanted. BWF World Ranking में 17वें स्थान पर काबिज साई प्रणीत के लिए आगे की चढ़ाई साफ है। टोक्यो में उनका मुकाबला दुनिया के सबसे बेहतरीन शटलर से होगा। लेकिन अपने करियर में कई ओलंपिक विनर्स को हरा चुके प्रणीत के लिए फिर से अपनी काबिलियत साबित करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अपने इसी सामर्थ्य और योग्यता के बूते पर साई प्रणीत बन गए हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।